भाई भाई क्या हाल चाल? अरे बाबर क्या हाल चाल है यार? बस बढ़िया बढ़िया। और सब क्या हाल चाल? कभी की सेवैया को खिला रहा है यार? भाई साहब पहले आप घर बुलाइए आप। अरे यार मैं बुला तो लूंगा लेकिन तेरा वीजा वाला दिक्कत हो जाएगा यार। कैसी बात कर रहे हैं सर? भाई भाई अरे कोई बात नहीं। और बता क्या चल रहा है? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और सब बढ़िया ना? चल ठीक है ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। हाल जाना ठीक है? बढ़िया चल। ये क्या कर रहे हैं? प्लान में थोड़ा चेंज है, थोड़ा राइवलरी खत्म सर। दिल मिलाइए सर थोड़ा और क्लोज। हाँ सर क्लोज क्लोज सर। और दिल मिलाइए थोड़ा सा सर। दिल और थोड़ा सा और थोड़ा थोड़ा और करीब दिल मिला सर। दिल मिलाना है कुछ और नहीं सर। आप क्या मिला रहे हैं सर? सर 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 सॉरी सर सॉरी सर सर। हाँ अरे सर अट्टा भाई यार गाली दे रहे हैं हाल में। बाबर भाई ये सारे आंसर इंग्लिश में हैं। आप याद कर लीजिए बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको यही बोलना। अच्छा इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा? इसके बाहर का नहीं आएगा। आप इसको रिपीट करना। The margin factors definitely are the sole definitely 10 minutes later. बाबर भाई आपका इंटरव्यू दफ्तर में रेडी हो जाइए। ओके ओके जी जी सर। रेडी हैं आप इंटरव्यू के लिए? जी बस दो मिनट थोड़ा जल्दी आइए। ओके रिजवान रिजवान आ भाई यार एक काम करो थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं लग रही। एक काम क्या हुआ भाई सब बढ़िया? अरे हो गया वो थोड़ा सा मैच वो हार गए ना जी जी अंदर से फील नहीं आ रहा। अच्छा एक काम करना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये ले लो और ये मास्क का जी छुपा लेना। और ये मुंह क्यों छुपा रहा है भाई? भाईजान ठीक क्यों खेला है? अरे फिर भी लोग आ गए देखना कुछ ट्रॉलिंग होगी। और ये ले लो अच्छे से। भाईजान कैसे होगा? भाईजान हो जाएगा हो जाएगा। ठीक भाईजान ठीक मिलते हैं फिर। ठीक है ओके ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। देखिए इस तरह अगर आप लोग बदतमीजी करेंगे तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। कोविड का भी सीन होता है ठीक। और तो बाबर भाई कहाँ हैं? एक्चुअली क्या है कि बाबर जी हमारे बीमार पड़ गए हैं मैच के बाद। वो थोड़ा बुरा फील कर रहे हैं क्योंकि ये हाई प्रेशर इंटेंस मैच होता है और मोमेंटम हमें नहीं मिला। वो मोमेंटम बॉलिंग में भी नहीं मिला बैटिंग में भी नहीं मिला लेकिन इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। और देखिए थोड़ा तमीज से क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ये पहली बार है मेरा तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाबर रिजवान भाई आपका पहली बार क्या आइए? पहली बार मेरा इंटरव्यू है। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग बदतमीजी से? मैं नहीं दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा हूँ। सारे इंग्लिश क्या लग रहा है? बैलिंग बॉलिंग बॉलिंग मोमेंटम एंड बैटिंग मोमेंटम डिड नॉट टेक प्लेस एंड momentum and bowling batting momentum did not take place proper time so yeah it's okay it's fine rizwan bhai rizwan bhai ek minute rizwan bhai ji ji ye bataiye apni fielding mein kuch karna chahiye fielding mein aaj देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना हाई इंटेंसिटी होता है। क्राउड होती है चीयर करती है कुछ लोग गाली भी देते हैं पीछे से। पाकिस्तान पीकेएमबी पता नहीं कुछ बार बार ट्रेंड होता रहता है। ये क्या होता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ ही नहीं। एक मिनट जी 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 आप अपने देखिए इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी है और जो लोग ये कहते हैं कि इकोनॉमी हमारी ख़राब है मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हर प्लेयर को 100 रुपये मिलते हैं। हर प्लेयर को 100 रुपये मिलते हैं हर मैच पे। समझ में आया आपको? फिक्सिंग करते 100 रुपये। देखिए बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग वहाँ से ठीक है। कोई नहीं बोलेगा फिक्सिंग करते हैं हम लोग PSL में। PSL पूरा रिजवान भाई आपका अगला सवाल ये है कि आप और स्पैन और टीम रिजवान भाई कोविड हो गया नहीं नहीं मास्क पहन लीजिए देखिए बदतमीजी हो रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं हमें पता है सॉरी सर सॉरी रिजवान रिजवान सॉरी सर सर पानी पानी सर पानी सर फिनाइल ले लेकिन सर योर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट्स अप प्लान ऑन नेक्स्ट हम लोग के पास न्यूजीलैंड और अच्छा न्यूजीलैंड अपने ग्रुप में नहीं है क्या? सर जिम्बाब्वे से कोई मैच नहीं आपका सर? जी जी हमारे ग्रुप में है। हमने प्लान किया था इसीलिए तो इंडिया के खिलाफ अगर हार जाएंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर हार जाएंगे तो नेदरलैंड और ये जिम्बाब्वे है उनके साथ हमारे साथ सीरीज खेलते हैं तो अच्छा है हमारे लिए और हम फॉर्म में भी आ जाएंगे अगर मान लीजिए किसी तरह इंशाल्लाह। हमारे जवान भाई की टीवियां टूटने वाली है क्या? देखिए बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग। मैं बता रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दूंगा मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्या बदतमीजी हो रही है यहाँ पे? हट Thank you.
अरे विराट सर आते हैं सब, आपका इंटरव्यू नहीं है, कैप्टन का इंटरव्यू चल। ये बेनिश शूट पर आती क्यों नहीं, मेरा इंटरव्यू नहीं है, हैं गुंडा उस टीम का मैं, एक काम कर बाहर निकल और कुछ इंतजाम कर ले और उत्तर साहब के बोलना कि हाँ हेलो सर जाने का कॉल आ रहा है। ओ जब ठीक है ओके, अब मैं बाद में अटेंड करता हूँ मीटिंग, माय भाई का टेक्स्ट आया था और सर फोन जाना पड़ेगा मुझे। रोहित भाई आपका कॉन्फ्रेंस है। चल चल चल। अच्छा बढ़िया, घर वाले बढ़िया हैं, अच्छी बात है। चल सर कॉन्स्टिट्यूशन आपकी टीम जीत गई है और इस विनिंग मूवमेंट में आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी टीम के बारे में सर? जी खुश है, बढ़िया है, पार्टी हो रही है, हार्दिक पांड्या लगा हुआ है दो दो के साथ। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि अभी एक पता चला सर्वे में कि शख्स करने के बाद स्टेमिना बूस्ट होता है प्लेयर्स का, तो जिस तरीके से विराट ने आज खेला और टीम से खेला सर, अब क्या लगता है किस किस ने सेक्स करके मतलब क्या हो, किस ने मतलब? देखिए प्राइवेट बातें कर रहे हैं आप लोग, प्राइवेट बातें बाद में करेंगे। हार्दिक पांड्या का नाम का वो तो करके आता है हर मैच में। हाँ ही इज वेरी गुड प्लेयर। वो देखिए मिडिल ऑर्डर हमारा स्पार्क करी, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सर विराट कोहली का जन्मदिन आने वाला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हैप्पी बर्थडे बोलेंगे और क्या बोलेंगे, और देखिए शायद वर्ल्ड कप हम लोग जीत जाएंगे उस टाइम तक, तो अगर वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो प्लेन में मस्त पार्टी वार्टी करेंगे, फोटो वोटो भेजेंगे आपको। जी जी बताइए सर, जैसे कि ये जो मेन मैच टूर्नामेंट होते हैं वर्ल्ड कप हो गया, एशिया कप हो गया, इसमें के एल राहुल का फॉर्म, आपका फॉर्म, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म खराब हो जाता है, मतलब क्या इसके पीछे आप करके नहीं आते? देखिए ये बहुत क्या हुआ सर एक मिनट, देखिए जब आप इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो हाई इंटेंसिटी, बहुत हाई इंटेंसिटी मैच होता है और बहुत ज़्यादा कहते हैं कि प्रेशर होता है, तो थोड़ा सा कैप्टेंसी का प्रेशर भी होता है, एंड आप लोग को पता ही है कि अब हर कोई स्कोर नहीं कर सकता, हर मैच में कोई ना कोई एक स्टैंडिंग लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पहले इंटरव्यू में बोला था कि 10 पे 4 विकेट हो सकें, 10 पे 5 विकेट हो सकें, हमारे मिडिल ऑर्डर को और बॉलर्स को रेडी रहना पड़ेगा और बॉलर्स को भी बैटिंग करनी पड़ेगी। सर एक क्वेश्चन, सर पाकिस्तान के खिलाफ आप लोगों का जोश इतना बढ़ क्यों जाता है? पापा को अच्छी फीलिंग आती है, मतलब मेरे पापा को बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और देखिए इंडिया पाकिस्तान हमेशा से ग्रेटेस्ट राइवलरी रही है और हमेशा ही रहेगी, लोग कितना भी कुछ कह लें कि इसे कम करो या ना करो। सर सर ये पार्टी में क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है कि सर? देखिए यार पर्सनल क्वेश्चन, प्राइवेट बातें कर रहे हैं, प्राइवेट बातें बाद में करेंगे, देखिए ये सब अभी। जी जी सर, सर एक सवाल ये था, बहुत मतलब क्रिकेट सवाल था कि विराट कोहली जब टीम कैप्टनशिप से हटे तो उनके पास सिर्फ महेंद्र क्रिकेट का आपको टेस्ट होने का सर? गुड आइडिया, एक मिनट टेक्स्ट कर देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस विराट कोहली, यही लिखना सही रहेगा ना, हैप्पी बर्थडे भी लिख दूंगा एडवांस। सर थैंक यू सर। सर व्हाट द नेक्स्ट प्लान सर अबाउट योर टीम सर, हाउ डज इट फील, आप जीत गए मैच, आपकी मतलब फीलिंग्स क्या है सर, आप एक्सपेंड करिए अपने अंदर की फीलिंग्स सर, कैसे एक्सपेंड करेंगे सर, आप क्या बोलना चाहते हैं? वेल इंडिया की कैप्टेंसी मिल गई, इससे ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकता है, और खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पहले मुंबई इंडियंस को जीता था, तब इंडिया को जिताऊंगा, यही हमारा प्लान है आगे चल के। अभी ये वर्ल्ड कप है, अगला वर्ल्ड कप अगले साल। सर जैसे विराट जब अपनी कैप्टनशिप शुरू कर टेस्ट किया, हमारी भाई ने जब आप कैप्टनशिप में, आपको किस किस ने टेस्ट किया सर? सबने टेक्स्ट किया, अनुष्का शर्मा ने टेक्स्ट किया, उन्होंने कहा कि जी जी अनुष्का शर्मा ने टेक्स्ट किया, देखिए दिखाइए, ओह उन्होंने गाली दी है, सॉरी बहुत लोगों ने टेक्स्ट किया है, अब क्या बताऊं मैं आपको। थैंक यू सर। सर आपने बहुत टाइम दिया आपने। सर एक लास्ट सवाल आपसे सर, सर ये बताइए कि नेक्स्ट प्लान क्या है सर आपका, मतलब आपको फॉर्म के लेकर टीम क्या सर, नेक्स्ट प्लान क्या है, आप के एल राहुल क्या सर बैठाना चाहते हैं कि वो भी खेले सर के एल राहुल? देखिए ऋषभ ऋषि ऋषि गाना गा रहा है दिन भर, और हम उसे ओपन करवाने की बहुत बार कोशिश कर चुके हैं कि वो आए ऊपर और मारे के एल को हम बैठा दें नीचे या चौथे नंबर पर डाल दें, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट का वो होता है, और इसके साथ साथ मैंने ना पहले से ही बना रखा है, मेरे दिमाग में पहले से है किसके खिलाफ कौन किसकी प्लेइंग 11 रहेगी, तो देखिए पहले से ही फिक्स है, मैं बता देता हूँ। सर ये पाकिस्तान की टीम आईपीएल में क्यों नहीं आई सर, क्या मतलब क्या ओपिनियन है सर मुंबई सर? नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज, थैंक यू सो मच फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाय 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 बाय।
कांग्रेचुलेशन विराट सर, आप मैच जीत गए। आप अपनी इस परफॉर्मेंस को किस तरह डिस्क्राइब करना चाहेंगे? आज से एक महीने पहले मैंने बैट को हाथ भी नहीं लगाया था, और जिस तरह मेरी फॉर्म थी, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बहुत कुछ बोला, चीज़ें बदल जाती इंसान के लिए। और ये जो मैच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है प्रेशर पीक पे होता है, और एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं हमारे फैंस की, टीम इंडिया के बैट्समैन्स की, बॉलर्स की, वो एकदम हाई लेवल पे होती हैं। आप की जो परफॉर्मेंस होती है, आपका जो इम्पैक्ट पड़ता है मैच पे, वो बहुत मायने रखता है। आप पहले कैसे थे, आपने पास्ट में क्या किया, कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन या मतलब मेरे पास शब्द नहीं है मैं डिस्क्राइब कर सकूँ इस इनिंग को। मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो खेला वो मेरे लिए बहुत मतलब बेस्ट, आप मेरे लिए बेस्ट थी, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग। बट आज मैंने जो किया, मुझे खुद भरोसा नहीं हो पा रहा है कि ये मैंने जो किया, मुझे खुद भरोसा नहीं हो पा रहा है कि ये हो गया बस। थैंक यू सो मच गाइस। सर, आपका टाइम जब ख़राब चल रहा था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? या सबके लाइफ में एक टाइम आता है जब आप अपने फॉर्म से जूझ रहे होते हैं, डाउनफॉल स्टार्ट होता है, और उस समय मेरे पास किसी ने टेक्स्ट नहीं किया माही भाई के अलावा, और अनुष्का ने भी टेक्स्ट मेरे पास मतलब सपोर्ट किया, अनुष्का ने भी सपोर्ट किया, उसने बोला कोहली चौका मार चौका मार, मैंने चौका मारना स्टार्ट किया। अब उसने छक्का के लिए भी बोला है, तो मैंने छक्का भी मारना स्टार्ट कर ही दिया है। ठीक है, मतलब बैट को भी मैंने हाथ नहीं लगाया एक महीने तक, मैं बस छक्का मार ही रहा था, या बस कोशिश कर रहा है। अरे बाबर भाई, बहुत प्रेजेंटेशन के बीच में, कोई बात नहीं बाबर, वेल प्लेड बाबर, और कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से कोशिश करना। आप कुछ हमारा भी करा दीजिए। बिल्कुल हो जाएगा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे से भी बात करो, उसको कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टोक्स। थैंक यू सो मच गाइस, सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखा आपने, एंड आई होप अच्छा लगा हो, वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए कैसा लगा, क्या था रिएक्शन। ऐसी वीडियोस और चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की या इंटरव्यू टाइप की, तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम ला सकें आपके लिए वीडियो। सो गाइज, थैंक यू सो मच, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट। अच्छा यार, ये भी आ नहीं रही है आज। ओके गाइज, सी यू सून।